It is said, success in life comes when you simply refuse to give up. Make your goals so strong that obstacles, loss and failure only act as motivation. पिता अनजान ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सच्चे आशिक हो या भगोड़े हो। क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री महबूबा की तरह है बेटा, जो सच्चा आशिक होगा ना, वो इसे किसी भी संघर्ष में छोड़कर नहीं जाएगा। जिसने मरना सीख लिया है जीवन का उपहार उसी को, जो कांटों की राह चला हो फूलों का उपहार उसी को। नमस्कार, और आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की अवधारणा का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को। कहते हैं कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, और आते जाते रास्ते के इस सफर में कुछ यादें छोड़ जाता है। गीतों के बोल बड़े अनमोल के माध्यम से हम भी कुछ यादों के वीडियोस इंटरनेट के इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। वो वीडियोस जिन गीतों में अध्यात्म छुपा है, वो वीडियोस जहां हिंदी फिल्मों के गीतकारों को हम याद करते हैं, उनकी जानकारी दे रहे हैं। क्या आप बनारस के शीतला पांडे को जानते हैं? नहीं जानते ना। लालजी पांडे को तो आप जानते ही होंगे, इन्हें भी नहीं जानते? ओहो, कोई बात नहीं, पर इन दोनों के फिल्मी नाम से आप अवश्य परिचित होंगे। लालजी पांडे यानी गीतकार अनजान, जिनका नाम हिंदी सिनेमा के शीर्ष गीतकारों में लिया जाता है, और शीतला पांडे यानी गीतकार समीर, जिन्होंने अपने 4 दशक के कैरियर में इतने गाने लिखे हैं कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। अगर आपको 90 के दशक का कोई भी कैसेट मिल जाए तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि उस पर सभी गानों के गीतकार के रूप में समीर अनजान का नाम ही अंकित होगा। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फिल्मों में कालजयी गीत लिखने वाले समीर को गीत लेखन की प्रज्ञा अपने पिता अनजान से जन्म के 23 साल बाद मिली। उस वक्त अनजान मुंबई में थे, समीर बनारस में, जहां उनका पालन पोषण उनके दादाजी शिवनाथ पांडे जी ने किया था। समीर के पिताजी ने 17 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में जमने के लिए संघर्ष किया था। 23 साल की उम्र में समीर मुंबई में आकर अपने पिता से मिले। ये मुलाकात बड़ी मार्मिक और बड़ी प्रभावी थी। उनके पिता अनजान ने समीर से 2 प्रश्न किए जो बड़े दार्शनिक और रोचक थे। उनका पहला सवाल था, क्या था? क्या तुमने जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया है? समीर ने कहा हाँ। उन्होंने पूछा क्यों? समीर बोले, जब कोई प्यार करता है तब सोचकर तो नहीं करता। तब पिता ने कहा, अब पूछो मुझसे, ये सवाल मैंने तुमसे क्यों किया? समीर ने पूछा, क्यों किया? पिता अनजान ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सच्चे आशिक हो या भगोड़े हो। क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री महबूबा की तरह है बेटा, जो सच्चा आशिक होगा ना, वो इसे किसी भी संघर्ष में छोड़कर नहीं जाएगा। तुमने साबित कर दिया तुम सच्चे हो। अब पिता बोले, मेरा दूसरा सवाल, बम्बई क्या सोचकर आए हो तुम कि इंडस्ट्री जन्नत की तरह है, यहाँ सब हूरें मिलेंगी, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी? समीर बोले, जी हाँ। तब पिताजी बोले, जन्नत में जाने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम है तुम्हें? वो बोले, समीर ने कहा कि मरना पड़ता है, तो इसके लिए तैयार रहो तुम। पिता बोले, अनजान के प्रश्नों में एक शिक्षा छुपी हुई थी। उनका मतलब साफ था कि यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। समीर का जिंदगी के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी और ने उनसे बेहतर फिलॉसफी लिखी होगी। उनका कहना है, एंड आई कोट हिम, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। समीर ने देखा जाए तो अलग अलग पीढ़ियों के लिए गाने लिखे हैं। वे कहते हैं कि उनकी प्रासंगिकता के पीछे का राज है कि उन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव को पूरी तरह से जिया है, और वो अपने गीतों के माध्यम से उसी को प्रतिबिंबित करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, समीर इंडस्ट्री में 40 साल पूरे कर चुके हैं। रेडियो पर बस एक गाना चल जाए, ये सोचते हुए अपनी उन्होंने यात्रा शुरू की थी। उनका सफर तब शुरू हुआ था। उन्होंने अमीन सयानी जी को, जो बिना का गीतमाला करते थे, अपनी फिल्म अब आएगा मजा की एक CD गाना बजाने के लिए दी। अमीन सयानी ने कहा कि उनका गीत सुबह 7:20 में बजेगा। समीर इस उत्साह में पूरी रात नहीं सोए। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन जीवन की कुछ और ही योजनाएं थी। समीर का मानना है कि वे स्वयं गाने नहीं लिखते हैं, कोई ताकत है। जी हाँ, कोई ताकत है जो उनसे गाने लिखवाती है। समीर की इस सोच को सलाम करते हुए ढूंढते हैं अध्यात्म उनके लिखे आज के गीत में, जिसके बोल हैं, जीना क्या जीवन से हार के। चर्चा में हर बार की तरह भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी कारदरे। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर।
आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। इट इज सेड सक्सेस इन लाइफ कम्स व्हेन यू सिंपली रिफ्यूज टू गिव अप। मेक योर गोल्स सो स्ट्रॉन्ग दैट ऑब्स्टिकल्स, लॉस एंड फेलियर ओनली एक्ट एज मोटिवेशन। हमारा आज का गीत जीना क्या जीवन से हार के इसी सोच से जुड़ा है। ये गीत 2002 में रिलीज हुई फिल्म ओम जय जगदीश से है। गीतकार हैं समीर अंजान। एंड हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। तो चलिए सुनते हैं आज का गीत। जरूर। एक जरा जोश में जो आए चांद को भी वो जमीन पे लाए, वो भंवर में जो कभी गिर जाए, एक दिन का आदमी को बचाए। जंग अभी जीता नहीं है यारो, मैं अभी हारा नहीं हूँ यारो। जीना क्या जीवन से हार के, जीना क्या जीवन से हार के, जीना क्या जीवन से हार के, जीना क्या जीवन से हार के। जो हर साची गया मरने का उसको गम नहीं, जो हर सांस जी गया मरने का उसको गम नहीं। कहती है धरा कहता है गगन, कहता है ये मन जिसमें टूटने पे भी नगमे गाए प्यार के, प्यार के, प्यार के। सुनील जी, इन लाइनों में जो छिपा अध्यात्म है ये मैं ठीक से समझी नहीं। स्पेशली ये जो एक लाइन है, वो भंवर में जो कभी घिर जाए एक दिन का आदमी बन जाए, इसे आप थोड़े से और समझा सकते हैं? मानसी जी, आपने गीत की पंक्तियों को हाँ जी सुना जी, और देखिए ऐसा है कि इस गीत में जीवन के उस पॉजिटिव, उस सकारात्मक पक्ष की बात ज्यादा है, क्योंकि जिसने मरना सीख लिया है जीवन का उपहार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है जीवन का उपहार उसी को, जो कांटों की राह चला हो फूलों का उपहार उसी को। तो जब आपने कहा कि जीवन कैसा है, कि जीवन को अगर आप उस तरह से लेते हैं, मुझे एक सोमदेव जी की पंक्ति याद आ रही है, और वो कथा सरित सागर में सोमदेव ये प्रश्न कर रहे हैं कि प्राप्यते किम यशः शुभ्रम अनंगीकृत्य साहसम, और इसका अर्थ ये हुआ कि साहस को स्वीकार किए बिना कहीं शुभ्र यश की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हारा हुआ जीवन जो है वो कोई जीवन नहीं है जी। जीवन क्या है? जन्म से मृत्यु तक का जो समय है वो आपका जीवन है, और जो हर सांस जी गया वो जीवन को पा गया। सीधी सी बात इतनी है। बिल्कुल जी। तो अगली पंक्तियां सुनते हैं जी। काली घनेरी रात में चांदनी खिल जाएगी,
तुझे अंधेरों में कहीं रोशनी मिल जाएगी। रहता नहीं सारी उम्र साथी ये गर्दिश का सफर, देती है मंजिल का पता कांटो भरी मुश्किल डगर। होगा कल क्या सोचना, जो भी है बस आज है, कब कहा जाए बदल वक्त का ये मिसाज है। क्या है सुख और दुख है क्या, चार दिन की बात है, दर्द में आराम है, हंसू हंसी के साथ है। जो हर सांस जी गया मरने का उसे गम नहीं, मुझे ये सच नहीं लगता है। हम कितना भी जी लें मरने का गम तो सभी को होता है। बात आपकी सही है, और आपने जो कहा कि हर सांस जी गया, जी तो कवि ये कहता है कि हर कदम इम्तहान लेता है, हर कदम इम्तहान लेता है, हर सांस आजमाती है, मौत के होठ चूमने वाले जा तुझे जिंदगी बुलाती है। तो जिंदगी आपको तब बुलाती है जब आप वो साहस कर लेते हो। और इसीलिए एक पंक्ति हमें उस समय की भी याद आती है जब गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, है ना, कि चिड़िया से ते बाज लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो आपकी हिम्मत कितनी है, किस तरह से आप मुश्किलों का सामना कर सकते हो, तब जाकर आप जीवन को सही अर्थों में समझ भी सकते हो और तब आप जीवन को जी भी सकते हो। बिल्कुल सही जी। आई फील आखिर की जो पंक्तियां हैं वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव टर्न लेती हैं जी। लेकिन जब गीतकार कहते हैं कि देती है मंजिल क्या पता कांटो भरी मुश्किल डगर, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि कठिनाइयों से गुजरना जरूरी है और उसके बगैर हमारे जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हो सकता? बिल्कुल, ये भी कहते हैं कि ईश्वर जब किसी को संवारता है जी। तो वो उसे मांझता है। अब इस मांझने का अर्थ क्या है, यानी कि ईश्वर जब आपको आपके व्यक्तित्व को निखारना चाहता है तब कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि चांदी का चम्मच लेकर आप सुखी हो सकते हो, लेकिन उस सुख में आपको जीवन के कितने अनुभव मिले या आप स्वयं अपने आप में आपके व्यक्तित्व का कितना निखार हुआ, ये आप नहीं कह सकते। इसलिए ये ज़रूरी है कि उन मुश्किलों के साथ, उन संघर्षों के साथ जब आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हो, तब वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तिफ्ल कहते हैं बच्चे को, है ना, तो बच्चे तो पहले घुटनों के बल चलते हैं और घुटनों के बल चलते हैं तो गिरते नहीं हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि वो घुड़सवार कभी भी, जब तक कि वो एकाध बार इस तरह से फिसलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, है ना, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, जो युद्ध का स्थान है वहाँ घोड़े पर से कोई जो जंग लड़ रहा है वही गिर सकता है, और वो तिफ्ल क्या गिरे, वो बच्चा क्या गिरे जो घुटनों के बल चल रहा है। तो यहाँ वही बात है कि आपका जो संकट है, आपके जो संघर्ष हैं, उनके साथ में जब आप दो दो हाथ करते हैं तब आप संवरते हैं, तब आप निखरते हैं और तब आप उभरते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सुनील जी, जी। ये वही सही है ना कि मतलब जैसे जीवन को वही फिर समझ पाया जो कांटों पे चल कर आया, जी वही सत्य है। तो जीवन में हम उतना ही पाते हैं, हाँ जी, जितनी उसमें पूंजी लगाते हैं, और इस पूंजी का अर्थ यही है कि हम कितना श्रम करते हैं जी, हम उसके लिए क्या करते हैं। और इसीलिए मुझे दिनकर की भी पंक्ति यहाँ उद्धृत करने का मन होता है कि वो जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उनसे डरते हैं, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उनसे डरते हैं, वो उसका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। तो अंततः आपकी बात वही है कि हमें अपने जीवन में निर्भय होना है, डरना नहीं है, संघर्षों का सामना करना है, और यही गीतकार कहना चाहता है, यही गीतकार की मंशा है जो कि उसने अपनी पंक्तियों में उल्लेख किया है। बिल्कुल सही, थैंक यू सुनील जी।
धन्यवाद। जिंदगी की पुस्तक में अगर कोई एक चैप्टर आपका खराब जाए तो अफसोस ना मानिए एंड डेफिनेटली गिव अप मत करिए। आफ्टर ऑल आपकी कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती। थैंक यू वंस अगेन। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सबका फिर से स्वागत है। कहानी चल रही है गीतकार समीर अंजान की। समीर ने पहली बार BHU में यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टेज के प्रदर्शन का स्वाद चखा था। उनसे पहले 3-4 शायरों ने शायरी की लेकिन उन्हें बेरहमी से ट्रोल किया गया था। काफ़ी खिंचाई हुई इनकी। जब समीर के नाम की घोषणा हुई तो वे तो बुरी तरह से घबरा गए, बहुत बुरी तरह। लेकिन उस घटना ने समीर को सिखाया कि किसी स्थिति पर या किस स्थिति पर किस तरह गीत लिखना है। उसके बाद उन्होंने जो पंक्तियां लिखी उन्हें बाद में B.R. चोपड़ा की फिल्म में इस्तेमाल किया गया। समीर ने विभिन्न पीढ़ियों के संगीतकारों के साथ काम किया। उनके लिखे गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने हर पीढ़ी को पूरी तरह से जिया और जो जिया वही लिखा। R.D. बर्मन, जतिन ललित से लेकर हिमेश रेशमिया तक उन्होंने विभिन्न दौर के लोगों के साथ काम किया। गोविंदा की फिल्म कुली नंबर 1 के लिए उन्होंने मैं तो रास्ते से जा रहा था जैसे गाने लिखे। इस पर लोगों ने उनसे पूछा भी कि वे इस तरह के गीत क्यों लिख रहे हैं जबकि इससे पहले तो वे काफ़ी अच्छे गीत लिख चुके हैं। तब उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि लोगों को समझना होगा कि आप किस किरदार के लिए गाने लिख रहे हैं। चूंकि ये गीत एक कुली के ऊपर लिखा है, उस पर पिक्चराइज होगा, उस पर फिल्माया जाएगा, इसलिए उस किरदार के अनुसार लिखा गया है। इसी तरह उनका फिल्म फालतू का गीत जिसके बोले 4 बज गए, इस गीत ने उनकी सोच को बहुत बदल दिया क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने एक नई जनरेशन के लिए लिखा था। गाना हिट रहा इस फिल्म का और इस पीढ़ी ने इसे पसंद भी किया। शायद उनकी उम्र भले ही बढ़ गई है पर दिल अभी भी जवान है। और चलते चलते समीर की किशोर कुमार से पहली बार मुलाकात का किस्सा भी सुन लें, बड़ा मज़ेदार है। हुआ यूं कि समीर अपने पिता गीतकार अंजान के साथ डॉन फिल्म के गीत खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला इसकी रिकॉर्डिंग के लिए आए थे। किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन और समीर के पिता गीतकार अंजान रिकॉर्डिंग के रूम में बैठे थे। हर कोई जानता है कि किशोर कुमार बहुत मलंग किस्म के आदमी थे। समीर के मन में भी उनकी एक खास छवि थी क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्टार थे उस दौर में। लेकिन जब समीर ने किशोर दा को पहली बार देखा तो दंग रह गए। किशोर दा एक लुंगी और 2 अलग अलग किस्म की चप्पल पहने हुए थे। एक उनकी अपनी चप्पल थी और दूसरी लेडीज शायद उनकी पत्नी की रही होगी ऐसा लगता है। किशोर दा ने काजल भी लगाया हुआ था और जैसे ही उनके पिता अंजान ने किशोर जी को गाना सुनाना शुरू किया तो वो तो हैरान रह गए। उन्हें गाने के बोल बड़े अजीब से लगे, वही खाई के पान बनारस वाला। हालांकि कुछ समझाने के बाद उन्होंने म्यूजिशियन से घोषणा की कि वे इस गीत को केवल एक ही बार में गाएंगे और उन लोगों को कोई गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने फिर एक टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड किया जो फाइनल कर दिया गया। खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। समीर का कहना था कि लोग किशोर कुमार को बहुत कंजूस मानते थे लेकिन गीतकार अंजान द्वारा लिखे गए गीतों के लिए किशोर दा ने उन्हें सबसे ज्यादा पेमेंट किया। हमारा आज का गीत एक राधा एक मीरा 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली से है। आज जिस गीतकार को मैं आपके सम्मुख ला रहा हूँ या पेश कर रहा हूँ वे हैं रविंद्र जैन, जो सिर्फ एक प्रसिद्ध गीतकार ही नहीं बल्कि गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक भी थे। मीरा की छटा और राधा की घटा कृष्ण पर सदा छाई रहती है। तो ये थी गीतकार समीर अंजान की कहानी और कुछ हल्के फुल्के किस्से। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म गीतकार रविंद्र जैन के लिखे गीत एक राधा एक मीरा में। फिल्म है राम तेरी गंगा मैली। आप देख रहे हैं गीतों की बोल बड़े अनमोल। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्रांति दर्शन में।